नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे पाकिस्तान में रोटी का संकट गहराता जा रहा है। पाकिस्तान में गेहूं की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। इसी महीने में इसकी कीमतों में तीसरी बार इजाफा हुआ है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में सामान्य श्रेणी के आटे की कीमत 44.5 रुपए प्रति किलो है, जबकि सुपर फाइन और फाइन श्रेणी के आटे की कीमत 47.5 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गयी है। नतीजतन एक पैकेट पाव रोटी 40 से 80 रुपए में बिक रही है। अच्छे किस्म के चावल की कीमत 130 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इस साल अप्रैल के बाद से सामान्य श्रेणी के आटे की कीमतों में 11 रुपए प्रति किलो की दर से इजाफा हुआ है। देश में गहराती खदान समस्या से पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रांतीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आटे की लगातार बढ़ रही कीमतों पर लगाम लगाने की कोशिशें तेज करें। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने बकरीद के मौके पर कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया था। इसके बाद दूसरी बार कीमतें बीते 22 अगस्त को बढ़ी थी। पाकिस्तान की आटा मिले 10 किलो के आटे के बैग की कीमत 450 रुपए वसूल रही है। पाकिस्तान फ्लोर मिक्स एसोसिएशन के सिंध जोन के अध्यक्ष मोहम्मद जावेद यूसुफ ने बताया कि देश में गेहूं की कीमतें 4000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि मैं सरकार को गहराते खदान संकट को लेकर आगाह करना चाहता हूं। सरकार गेहूं के पर्याप्त भंडार को बनाए रखने में नाकामयाब साबित हुई है। हालांकि इससे उलट पाकिस्तानी हुक्मरान भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धमकियां दे रहे हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के पास बिजली का बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना भारत का खौफ दिखाकर अपने देश के संसाधनों को दीमक की तरह से चाट रही है। पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में एक मिसाइल का परीक्षण भी किया है। नतीजतन देश पर आर्थिक बोझ और बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान के पास मात्र 15 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 22 साल में पाकिस्तान 30 से ज्यादा बार IMF के पास कर्ज रूपी भीख मांगने जा चुका है। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।